अभी आपको अहम अपडेट दें, उकाड़ा में करोड़ों रुपए से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट बिल्डिंग ऑफिसर समेत 10 अफराद के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानकारी उसके नुमाइंदे शहबाज शाहीन से। शहबाज, बताइएगा ये मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई कब शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा म्यूनिसिपल कमेटी को करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में बिल्डिंग ऑफिसर समेत 10 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्डिंग ऑफिसर और क्लर्क ने टाउन डेवलपर से मिली भगत करके 14 एकड़ रकबे पर बनने वाली कॉलोनी फैसल विलास को सरकारी तौर पर फाइल में 64 कनाल अराजी डिक्लेयर कर दी। वाक्य की FIR एंटी करप्शन उकाड़ा के कांस्टेबल रिजवान यूसुफ की मदयत में दर्ज की गई है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जीशान हमीद ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की तरफ से घपले के इंकशाफात के बाद उकाड़ा की दीगर कॉलोनियों की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। इस बड़े इंकशाफ के बाद उम्मीद की जा रही है कि म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ने जो महकमा को नुकसान पहुंचाया है अरबों रुपए में हो सकता है। महकमा एंटी करप्शन ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। एंटी करप्शन हुकाम ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है, इसमें म्यूनिसिपल कमेटी के दीगर अफसरान भी मुलव्वस हो सकते हैं। जी ठीक है, शहबाज शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया।